यार जो बंदे कहते रहते हैं 75 मार्क्स कैसे लाने हैं, तो उनके लिए ये बहुत सही काम आएंगे 13 और 14 चैप्टर्स। ठीक है, जीएटी में साइंस का पोर्शन बहुत इजी आता है, और वो आप कैसे एनसीईआरटी के ये स्पेसिफिक जगह से पढ़ के, जैसे मेरे नोट्स में भी देख सकते हो, यहाँ रिटर्न के साथ साथ भी एसएसबी की तैयारी अगर आपको करनी है तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादा एम्फोसिस आपको रिटर्न पे ही देना है। बट यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस तरीके से अगर हैंडल करना है, मतलब आप अगर पढ़ रहे हो अच्छे से और प्रीवियस ईयर भी। यार बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू गाइस। रिसेंटली अभी मैं सोच रहा था कि यार लाइक जब मैं प्रिपरेशन करता था तब पीवाईक्यू वगैरह ढूंढने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, और कोई स्पेसिफिक बुक्स भी नहीं मिलती थी कि यार यहाँ से मैं प्रीवियस ईयर कर सकता हूँ। तो रिसेंटली यार इन दिस रिगार्ड आई केम अक्रॉस मेनी बुक्स ऑफ दिशा पब्लिकेशंस। दीज आर द 4 बुक्स विच आर सफिशियंट फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड देन जनरल साइंस एंड द जनरल नॉलेज। ईच बुक कवर 9 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स, दैट इज 2015 टू 2023। देर आर 18 सॉल्व पेपर्स इन दिस बुक। एंड यार अभी देखो कंटेंट दिया गया है इसमें हर एक बुक में, ऐसे तुम शो कर देता हूँ, और उसके बाद लाइक एंशंट इंडिया आपको पढ़ना है तो उसके बारे में पढ़ के देन आप ये इनके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। इवन यार एंड में हर एक क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं विद डिटेल। सो यार इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑल दिस बुक्स, यू कैन बाय इट फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जय हिंद गाइस, जय हिंद। आई एम चक्रपाणी शर्मा। आई हैव बीन रिकमेंडेड 3 टाइम्स बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सो यार मैनी ऑफ यू ओवर आस्किंग कि भाई आपने एनडीए की प्रिपरेशन कैसे करी थी, तो यार अभी बस उसी की स्ट्रेटेजी लेके आ गया हूँ। बताऊँगा यार कि क्या क्या तुम कर सकते हो। बच्चे पूछते भाई 75 मार्क्स कैसे लेके आए, और कुछ कहते रहते हैं तूने तो सिर्फ टेक्निकल एंट्री दी है। तो भाई मैंने एनडीए भी दिया है। हाँ ठीक है सारे नहीं निकले, बट हाँ कुछ निकले हैं मेरे भी, बट आई वाज स्क्रीन आउट इन एनडीए। तो यार अभी बात करेंगे कि भाई अपन टॉपिक वाइज बात करेंगे, पहले जीएटी के बारे में बात कर लेंगे, फिर मैथ्स के बारे में बात कर लेंगे, बताऊंगा कि मैंने क्या किया था और आप लोग और क्या कर सकते हो एडिशनली, क्योंकि अभी सिलेबस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है और चीज़ें चेंज बदल रही हैं। तो यार पहले बात कर लेते हैं कि अभी कितना टाइम बचा हुआ है। ये वीडियो या तो 19 या फिर 20 जनवरी को मैं अपलोड करूंगा, तो यार उसके हिसाब से मैंने कुछ लाइक अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो यार देखो अभी जनवरी के 10 दिन बचे हुए हैं, फरवरी के 29 डेज, मार्च के 31 डेज एंड अप्रैल के आपके पास 20 डेज हैं, बिकॉज 21st को एग्जाम है। सो टोटल हुए 90 डेज। 90 डेज के आवर्स आप कैलकुलेट करोगे तो 2160 आवर्स। एंड यार इसमें से आपको मतलब 24 घंटे हैं यार दिन के, तो आप 10 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ सकते हो, क्योंकि एनडीए क्लियर भी करना है तो यार इतना टाइम तो अपने को देना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि हम गोल वगैरह जिसके लिए हम ग्राइंड कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ मांगे होती है कि भाई आपको ये सब करना पड़ता है, तब जाके कुछ आपको अचीव होता है। सो यार अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हो एंड आधा टाइम भी आप अगर मैथ्स को दे रहे हो, तो आपको 5 घंटे, एक दिन में 5 घंटे आपको एटलीस्ट मैथ करना है। क्योंकि यार देखो आप पढ़ते हो कि 75 मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, बट यार मतलब 75 से काम चलता नहीं है भाई, एटलीस्ट अपने को 100 या 120 तक का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। इतने का टारगेट लेके चलेंगे यार तभी कुछ लाइक 75-80 तक आ जाते हैं। ठीक है, 100 का टारगेट लेंगे तो 70 डेज तक आप आपका सिलेबस अच्छे से दोबारा कवर कर सकते हो। बचे हुए 20 डेज में आप लाइक मॉक टेस्ट एंड दीज थिंग्स यू कैन डू। यार सबसे पहले अपन बात करेंगे जीएटी के बारे में, क्योंकि मैथ्स के बारे में भी बात कर ली तो फिर कोई वीडियो भी नहीं देखेगा। तो जीएटी के बारे में बात करते हैं। यार अभी मैंने थोड़ा बहुत लिखा था तो आपके स्क्रीन पे ये भी आ रहा होगा। यार देखो जीएटी में मेनली 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, जिसमें से 20 से 25 फिजिक्स के और 15-20 ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के, एंड 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते ही आते हैं। ठीक है, एंड यार हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के भी 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, एंड ज्योग्राफी के अगर मान के चले तो 15-20 वो क्वेश्चन भी आते हैं, एंड रेस्ट लाइक 5 से 10 क्वेश्चन बचे वो करंट अफेयर के आएंगे। तो यार सबसे पहले अपन बात करते हैं साइंस के बारे में, साइंस को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो मतलब एक छोटा सा वो बताऊं तो साइंस में अगर आप 32-35 अगर अटेम्प्ट कर रहे हो सही वाले, 35 अगर साइंस में कर लेते हो, इंग्लिश मान लो किसी की वीक है किसी की अच्छी नहीं है, तो 30 या 35 इंग्लिश में भी इजीली हो जाते 35 तक। तो ठीक है, तो 35 हुए, 70 तो यहाँ पे हो गए। अब ज्योग्राफी के माने 20 में से 10 अटेम्प्ट कर रहे हो, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी उनमें से बचा तो 10 कर रहे हो। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन वहां से भी करके तो 20 वहां से हो गए, 35 इंग्लिश के, 35 साइंस के, टोटल क्वेश्चन हुए 90, एंड 90 × 4 360, तो 360 मार्क्स आपके जीएटी में बहुत इजीली बन सकते हैं यार। क्योंकि देखो और 360 पे तो इजीली क्लियर भी होता है, मतलब एक ही उससे आप क्लियर कर लोगे, हर एक की जरूरत भी नहीं होगी। मैथ्स में भी मतलब फिर आप मैथ में सोच सकते हो यार 80 पे हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है यार सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस में आते हैं यार, देखो सबसे पहले फिजिक्स है, फिजिक्स के 20-25 क्वेश्चन आएंगे,
मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी मैंने CDS भी दिया है। तो यार NCERT जो बुक है ना वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां से जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं एकदम डायरेक्ट आते हैं भाई। तुम अगर 25 क्वेश्चन, 20 से 25 फिजिक्स में आ रहे हैं, तुम अगर NCERT 9th और 10th की NCERT कर लोगे तो 15 क्वेश्चन तो आपके इतने इजिली हो जाते हैं कि भाई एकदम लाइन टू लाइन आएगा। और क्योंकि यार फिजिक्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा 11th 12th का ही पूछता है साइंस में NDA वाले, तो वहां से करना पड़ेगा। और अगर PCM वाले बच्चे हो तो साइंस में इतनी दिक्कत होगी नहीं। तो फिजिक्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि 9th और 10th की एक बार NCERT पढ़ लो, उससे मतलब आइडिया मिल जाएगा कैसी साइंस होगी, बेसिक आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, जो सीधे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लोगे। प्लस में जो 11th 12th में है उनका तो PCM ठीक है, वरना किसी भी टीचर से यूट्यूब पे आई वुड सजेस्ट कि यार यूट्यूब पे पढ़ लेना। मैं पढ़ता था तब श्याम सर थे कोई, तो उनसे मैंने पढ़ा फिजिक्स, मैंने श्याम सर से पढ़ा था और वो यार बहुत सही हो गया था। फिजिक्स के मेरे 25 में से 20 या मतलब 17-18 क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है, तो वहां से कर सकते हो। उसके बाद अपन बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री तो यार हाईली है कि भाई पूरी ही NCERT से आती है। मैं NDA के टाइम NCERT नहीं पढ़ी थी और मेरी केमिस्ट्री खराब हो जाती थी, पर अब जब मैं CDS के लिए NCERT पढ़ के गया हूँ तो बहुत अच्छे लाइक इजीली क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। तो केमिस्ट्री के लिए एक बार 9th और 10th की यार आप केमिस्ट्री करके देखना, एकदम यार सेम क्वेश्चन आते हैं आपके, लाइक लाइन टू लाइन रिपीट होती है UPSC में, ठीक है, तो वो पढ़ लेना यार। अभी देखो क्वेश्चन या और आंसर कुछ मैं दिखा भी देता हूँ ऐसे आए हैं। तो केमिस्ट्री के लिए मेनली आप 11th 12th जो PCM का बच्चा है वो तो ठीक पढ़ ही रहा है, वो थोड़ा 9th और 10th की एक बार केमिस्ट्री कर लोगे तो ओवरव्यू मिल जाएगा और अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अभी करते हैं बात बायोलॉजी के बारे में। बंदे छोड़ देते हैं यार बायोलॉजी की, भाई बायो नहीं करते हैं, 10 क्वेश्चन है छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। मैंने भी स्टार्टिंग के मेरे अटेम्प्ट में छोड़ा था और मेरे क्लियर नहीं हुए थे, जो मैंने 12th अपीयरिंग दिया था वो भी नहीं हुआ था मेरा क्लियर, सिर्फ इसी की वजह से। मतलब थोड़ा बहुत रह गया था मैं बायो के, तो 10 में वहां पे देख के डर गया कि भाई 10 क्वेश्चन है, और मैं छोड़ के ही गया था बायो, पढ़ के नहीं गया था। बट जब मैंने बाद में पढ़ा ना बायो, बायो तो यार इतना इजी सब्जेक्ट है, पूरा बायो जो NDA में है पूरा आपका 9th और 10th की NCERT से आता है। लाइक 10 है तो 9 तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और ये एकदम ब्रह्मास्त्र है 9th और 10th की NCERT। मैं आपको कुछ मेरे नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने नोट्स बनाए हैं बाद में 9th और 10th की NCERT से, जब मैंने बायो पढ़ी। इनसे देखो यार ये मतलब कितने क्वेश्चंस हैं, सेम सेम क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कई, तो जो मैंने मोबाइल में मैंने रखा है, अभी मैं स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, क्वेश्चंस दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। देखो जैसे एक क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन ये आते हैं, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स हैव नेकेड सीड क्लासिफाइड, ठीक है। तो ये नो आपकी है ना जो NCERT में लाइक लाइन टू लाइन लिखा हुआ है कि यार ये कैसे है, तो इसका जिम्नोस्पर्म्स आंसर आएगा, ठीक है। ये मैंने नोट्स में भी सिंपल सिंपली लिख रखे थे। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज बेसिक पैकिंग यूनिट, ये पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है, ये सीधा आपके मैंने नोट्स में लिख रखा है, ठीक है। और एक ही जगह से दो दो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये गर्थ ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट इंक्रीज ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स इन, इसमें हो गया जैसे लेटरल लेटरल में गर्थ होता है, ठीक है। तो यार समझ रहे हो, जैसे अगर आप खुद के नोट्स बना लोगे ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं और भी दिखा सकता हूँ, बट ये है कि इस मेरे ये दिखाने का यही मोटिव है, ये सब क्वेश्चन दिखाने का, कि अगर आप खुद NCERT से पढ़ के नोट्स बनाते हो तो यार आपको इतनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी ना, कि मतलब आप इजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एटलीस्ट बायोलॉजी के तो पूरे क्वेश्चन बहुत ईजिली होंगे, ठीक है। तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अपन ने डिस्कस कर लिया है कैसे करना है, और NCERT बहुत हेल्प करेगी, उसके अलावा किसी टीचर से कर सकते हो। एंड मतलब जो फॉरमोस्ट थिंग है, लास्ट के जब 20 डेज बचेंगे, एटलीस्ट 2018 के बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कर लेना यार, वो एक कुरान है, ये कुरान ग्रंथ गीता सब कुछ वही है। अगर वो PYU कर लोगे ना 2018 के बाद के, तो आपके पेपर में लाइक 50 क्वेश्चन आ रहे, तो 20 क्वेश्चन तो वही आ रहे होंगे एकदम रिपीट हो गए, ठीक है। बचे 30 क्वेश्चन, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे एलिमिनेशन करना है कुछ आंसर्स में, या फिर कैसे आपको लाइक गैस वर्क भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो साइंस के लिए वो एकदम बेस्ट है, और मैं भी नोट्स वगैरह मेरे प्रोवाइड करूंगा। अभी हम सोच रहे थे एक वर्कशॉप करने के लिए, तो अगर जब करूंगा मैं प्लान तो बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल उसके लिए ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यार ये जो भी नोट्स वगैरह है ये सब वहीं पे मैं सेंड करूंगा, ठीक है। तो यार अभी अपन बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी कहाँ से करनी है। देखो NCERT एक बेस्ट चीज़ है, मैंने 9th क्लास की NCERT पढ़ी थी ज्योग्राफी की, ठीक है, और उससे मुझे लाइक वो है बेसिक, उससे एकदम क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3-4 क्वेश्चन तो ईजिली मिल जाएंगे 20 आ रहे हैं तो। पर अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से करनी है ना, 18-20 क्वेश्चन, जो हिस्ट्री और पॉलिटी इकोनॉमिक्स वो सब थोड़ा कम कर रहा है या छोड़ के जा रहा है, तो यार एक बात करना, ज्योग्राफी आप 11th और 12th की NCERT पढ़ लेना। अभी आपके पास 90 डेज है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर NCERT ज्योग्राफी की 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप ये पढ़ लोगे ना, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार
15 क्वेश्चन आपके एकदम इजीली हो जाएंगे ज्योग्राफी के, बिकॉज ज्योग्राफी भी लाइन टू लाइन पूछते हैं। और सबसे सही बात तो ये है कि आपको कम से कम दो रीडिंग देनी है, सेम फॉर साइंस। ये नहीं है कि भाई सीधा आपने एक रीडिंग किया उसको, ठीक है, आपने मेन मेन पे निशान लगा लिए, फिर दोबारा पढ़ना है, और दोबारा पढ़ते टाइम आपको नोट्स बनाने हैं, आपके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, जिससे आपको लाइक चीजें याद रहेंगी, जैसे मैंने बना रखे हैं तो वैसे आपको बनाने हैं। सेम फॉर ज्योग्राफी, एक रीडिंग दो जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी 90 डेज है, और मेन मेन को फिर आप निशान लगाओ। 11th से बहुत कुछ हो जाएगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी से, और 12th की भी करनी है तो फिर आपके 20 में से 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो ज्योग्राफी वगैरह, किसी का भी मतलब कोई भी क्लासेस देख सकते हो। और प्रीवियस ईयर, फिर से अगेन कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जरूर करना, पिछले कम से कम 2018 के बाद ही करना, इतने ज्यादा पुराने भी ठीक नहीं है, 2018 के बाद और अभी तक के, ठीक है। इतने भी अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, मतलब पेपर में आप अटकोगे नहीं, और आपको इजिली आप क्वेश्चन आंसर सोल्व करोगे। तो ज्योग्राफी का हो गया। अभी बात कर लेते हैं यार हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में। आप देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी में मैं तो खुद इतना पढ़ता नहीं था, आप पॉलिटी पढ़ के जा सकते हो, बिकॉज पॉलिटी आप पाथफाइंडर वगैरह से, या लूसेंट से, लूसेंट या पाथफाइंडर, ठीक है, दोनों किसी में से पढ़ोगे तो ये है कि यार आपका मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे, लाइक 10 क्वेश्चन आ रहे तो 5 से 6 हो जाएंगे, ठीक है, पॉलिटी, या फिर किसी टीचर से यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। बट यार हिस्ट्री वगैरह तो मैंने भी इतनी नहीं पढ़ी है, और यार हिस्ट्री में क्या है कि तुम पढ़ के जाओगे, कहीं से क्वेश्चन आते कहीं से, तो वो टाइम खराब की बात होती है। थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो यार किसी यूट्यूब वगैरह की वीडियो देख लेना। और हाँ, एक और चीज, जो CDS जर्नी वाले हैं तो यार वो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और ज्योग्राफी की जो जो मैराथन लाते हैं, उनसे बहुत फायदा हुआ है मुझे भी, तो तुम लोग भी करना यार, वो बढ़िया है। मतलब प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बट वो सही में कंटेंट अच्छा है, ठीक है, तो वहां से कर लेना, एज अ रिविजन अच्छा हो जाएगा, बट NCERT मस्ट है, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यार ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में आप इतना कर सकते हो, मतलब एक पॉलिटी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री वगैरह कोई मैराथन देख सकते हो मैक्सिमम, और ये अभी करना पड़ेगा 70 डेज के अंदर अंदर, लास्ट के 90 डेज में प्रीवियस ईयर जितने हो सके, 3 से 4 तो मॉक एटलीस्ट आपको लगाने हैं, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आप कर सको उतना बेस्ट है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में आते 50 क्वेश्चन इंग्लिश के। यार सबसे पहले 2018 के बाद के प्रीवियस ईयर उठाना, आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे अच्छे से वो दिए गए हैं, जहां से मैं करता था, इंग्लिश के PYQ उठाना, लाइक आप करोगे ना 3-4 पेपर करोगे तो समझ आने लगेगा कि किस टाइप के तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और किस टाइप में आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, या किस टाइप में आप गेस वर्क कर सकते हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ईजी रहेगा, ठीक। तो इंग्लिश के लिए मैं यही मतलब गाइड करूंगा, और मैंने जो किया था, आप पहले तो यार अच्छे से आपके प्रीवियस ईयर कर लो, जिससे आपको समझ आए कैसे गेस वर्क करना है, जो भी आपका वीक पॉइंट है, जैसे मतलब CDS मैंने अभी दिया था तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह आते हैं, तो उसकी आप एक स्पेसिफिक वीडियो देख लो। तो NDA में भी जो जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है, उस चीज के बारे में आप एक वीडियो देख सकते हो, ठीक है। और इसके लिए भी मतलब वोकैब वगैरह तो यार न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया करो, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ लो, या मूवीज देख लो कभी कभी, तो थोड़ी बहुत हो जाती है। और वोकेबलरी मेनली आपको एलिमिनेशन मेथड से ही होएगी, वहां पे भी एलिमिनेशन लगाना है, उसी से वोकैब अच्छी भी होती है, ठीक है। तो इंग्लिश आपको यहाँ से करनी है, जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी भी हो जाएगी, 50 में से 35 तक तो अटेम्प्ट करने का सोचना है। प्रीवियस ईयर करो, उससे आइडिया मिलेगा, उसके बाद एलिमिनेशन वगैरह लगाना सीखो, कि भाई पता है सीनो एंटोनियम में ऐसा होता है कि किसी चीज का एंटोनियम दिया है, उसमें ऐसा होगा कि यार 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो वो तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है, तो वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 3 आंसर तो होंगे नहीं, बचा एक अलग, तो वही आंसर हो गया। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन देखना है, ठीक है। और सेम idioms, phrases होते हैं, तो एकदम जो मोस्ट कॉमन लगता है उससे रिलेटेड, वो तो आंसर होता नहीं है, कोई भी idiom आया है तो उसका थोड़ा अलग ही आंसर होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आपको चीजें, और ये सब प्रीवियस ईयर करोगे ना तभी होगा, जब प्रीवियस ईयर आप कर लोगे तभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी और समझ आने लगेगा कि भाई कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर आप इनसाइट SSB वाली मैम है या CDS जर्नी है, किसी से भी कर सकते हो करंट अफेयर्स, बिकॉज यार एंड में करने होते हैं। और एक और ट्रिक है कि भाई 3 महीने पहले के करना, जैसे अप्रैल में एग्जाम है तो आप जनवरी के जरूर करना, दिसंबर एंड के करना, मेनली वही करंट अफेयर आते हैं पेपर में, ठीक है, मेनली लाइक 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन उसी मंथ के आएंगे, एक दो आप छोड़ भी सकते हो, तो जनवरी और दिसंबर एंड के जरूर करके जाना, अभी अप्रैल में एग्जाम है और 21 अप्रैल को है, तो जनवरी तो पूरी करनी ही करनी है, ठीक है। तो यार ऐसे करके आपका GAT तो एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, 5 अगर करंट अफेयर भी कर पा रहे हो, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के हुए 15, 5 अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी मिला के कर रहे हो सारे तो हुए 20, 30 आप इंग्लिश के कर लो, 35, और 35 आप साइंस से कर लो, तो टोटल हो जाएंगे 90 क्वेश्चन, 94 जा 360, 360 में से अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो
तो भी ये मान लो कि आप 5-6 क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो तो भी 300 तक आपके जीएटी में इजीली बन जाएंगे, और ये एक गुड स्कोर होता है क्योंकि उसके बाद फिर अपन मैथ में थोड़ा खींच सकते हैं, 100 के करीब मार्क्स भी अगर आए तो अपना इजीली क्लियर हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, अभी यार बात कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में देखो मेनली अभी कुछ स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैथ्स में मेनली आपकी है एलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, 2D+3D और बचा प्रोबेब प्लस स्टैट्स प्लस बाइनोमियल थ्योरम। तो ये मतलब एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है जिसमें से 35 क्वेश्चन आपके होंगे एलजेब्रा के, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे कैलकुलस के, 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, 20 क्वेश्चन 2D+3D के और 20 क्वेश्चन प्रोबेब प्लस स्टैट्स प्लस बाइनोमियल थ्योरम के। ठीक है, तो यार ये एक अच्छा से मैंने इसमें बता दिया कि भाई 11 चैप्टर एलजेब्रा में होंगे, कैलकुलस में 10 चैप्टर होते हैं, तो ऐसे करके चैप्टर्स का डिवीजन हो गया। ठीक है, तो अभी मैंने कैसे किया था और मैं बताता हूँ यार कैसे कर सकते हो तुम लोग। सबसे पहले आपको करना है, मतलब जो मैंने किया था और सबसे पहले तुम जो कर सकते हो वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 10 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यार वो अगर अच्छे से कर लिया ना, क्योंकि साइन कोस थीटा ये सब यार हर एक चैप्टर में यूज होता है, तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री करो। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या, देखो मैथ में कैसे करना है, आपने एक चैप्टर किया, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो लाइक मैंने अनुज सेठ सर से पढ़ा था, अगेन ये प्रमोशन नहीं है पर अनुज सर बहुत अच्छे थे मैथ में और अभी भी पढ़ाते हैं शायद से, तो यार तुम अनुज सेठ सर से पढ़ सकते हो बिकॉज मेरे को तो एटलीस्ट बहुत फायदा हुआ था। तो यार जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री किया है तो आपने 10 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में इजीली हो जाएंगे, किसी टीचर से पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो या खुद से ही पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी अगर बेसिक कर ली है तो आप किसी टीचर से पढ़ो, बिकॉज यार बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी कर ली और फिर सीधे प्रीवियस ईयर लगा लिए तो हो जाएगा, बट मेरा भी नहीं हुआ था और ऐसा आजकल होता भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत एक टीचर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, किसी भी टीचर से पढ़ा आपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर एग्जाम्पल कर लिया, उसके फिर आप प्रीवियस ईयर लगाओ 2018 के बाद के, मतलब पिछले 5 साल के तो एटलीस्ट लगाओ, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी और पिछले 2-3 पेपर से तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है तो वो तो अच्छे से सोल्व करना ही करना। ठीक है, और इसमें यार कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे वैल्यूज के जो 10 थीटा वगैरह की इनकी वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल 10 15 वगैरह ये सब होते ही हैं, 10 10 पे तो फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो सब आप पता करो कि भाई कौन से रिपीट हो रहे हैं, कैसे मैं इनको कर सकता हूँ, कैसे ये फॉर्मूला मैं याद कर सकता हूँ, वो खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है, और सोल्व करोगे ना तभी होगा मैथ्स, बिना सोल्व किए नहीं होगा मैथ्स। ठीक है, आफ्टर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम एलजेब्रा उठाओ, एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो जो कि बहुत एक अच्छा टॉपिक है और करना भी चाहिए, और मैक्सिमम वेटेज भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, पीएनसी कर सकते हो, और भी जो एलजेब्रा के जैसे सेट्स एंड रिलेशन जो कि इजी है और डुएबल है तो वो आप करो। ठीक है, वो मतलब मैथ्स की जो सबसे मेन टिप है, किसी एक टीचर का आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो उसको अगर अच्छे से फॉलो करोगे उसकी जो डीपीपी वगैरह कर सकते हो, और पीवाईक्यू पे फोकस करना है, जैसे यार ट्रिग्नोमेट्री ही है और जैसे क्वाड्रेटिक ही है तो इसके प्रीवियस ईयर को आप एज अ डीपीपी कर लिया करो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के उठाओगे 10 से 15 क्वेश्चन आते ही हैं, पिछले 10 साल के पेपर भी उठा लिए, 1 साल में 2 बार होता है तो भी 200 क्वेश्चन हो गए, मिनिमम 200, तो उन्हीं को सोल्व कर लो यार एज अ मतलब एज अ डीपीपी या एज अ मॉक, उन्हीं को सोल्व कर लो तो आपके पीवाईक्यू भी समझ आ जाएगा कैसे पकड़ बनानी है, तो यार ऐसे सही समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है, और एलजेब्रा में आपके 35 क्वेश्चंस के करीब तो आएंगे ही, तो एलजेब्रा का आपको करना है यार कम से कम 20 क्वेश्चन मेरे हो जाएं। ठीक है, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया और क्वाड्रेटिक हो गया, पीएनसी हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, इनमें से मेन में जो जो आपको समझ आते हैं, 1-2 क्वेश्चन लोग एरिथम का, इनइक्वालिटीज इजी आती हैं। ठीक है, और एक वो इजी सा कौन सा, एक वो इजी सा चैप्टर बाइनरी नंबर, उससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आपके मतलब मेन ढूंढना पड़ेगा कि भाई कौन से मेरे जहां से मुझे मार्क्स सबसे ज्यादा आएंगे वो कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से मतलब कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, वहां से करो। उसके बाद आई कैलकुलस की बारी, कैलकुलस में तुम लिमिट पढ़ो यार, लिमिट्स में सिंपल है भाई, एल हॉस्पिटल जो भी एल हॉस्पिटल कौन सा रूल होता है वो लगता है 3 से 4 क्वेश्चन में, तो आप AOD पढ़ सकते हो, डेरिवेटिव उसके नॉर्मल फॉर्मूले भी याद करोगे 1-2 क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तो 12th का आता है पूरा, मतलब 12th को अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कहीं नहीं रुकेगा, इजीली हो जाएगा। और 30 क्वेश्चन आते हैं कैलकुलस के, 10 क्वेश्चन मान लो कि भाई 10 क्वेश्चन मुझे परफेक्ट करने हैं। ठीक है, मैथ में आपको एक क्वेश्चन 2.5 का है, अगर आप 50 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो भी यार आपके 125 मार्क्स बन रहे हैं, 50 भी नहीं भाई, आप 40 मान के चलो कि भाई जिसको नहीं आता जो पूछते हैं कि यार 75 कैसे लाएं, ये मानो कि भाई 40 क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 to 50, और एकदम सही वाले कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एलजेब्रा से आप 35 में से एकदम इजी आते तो 15 to 20 के करीब उठाओ, कैलकुलस के आप 10 to 15 मान लो जो आप करोगे, ट्रिग्नोमेट्री के 10 क्वेश्चन मान लो, तो आपके हो गए टोटल मतलब 40 क्वेश्चन तो इन्हीं में हो गए, फिर भी मान लो
तो यार देखो, अगर वहां से 40 में से आप 30 भी कर रहे हो तो ठीक है। अभी अपने पास सबसे मेन है प्रोबेब प्लस स्टैट्स प्लस बाइनोमियल थ्योरम, ये तीनों आपको एक साथ करने हैं। यार सबसे इंपॉर्टेंट है ये, स्टैट्स के तो इजी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है, बट सबसे इजी तो स्टैट्स और बाइनोमियल थ्योरम। जैसे बाइनोमियल में आप ऐसे कर सकते हो कि यार इंडिपेंडेंट टर्म वाला एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे स्टैट्स में है मीडियन से एक क्वेश्चन आएगा, मोड से एक क्वेश्चन आएगा, वेरियंस से एक क्वेश्चन आएगा। तो आप अगर उनको बेसिक भी उनका पढ़ लोगे किसी एक अच्छे टीचर से, बिकॉज मैथ्स की टिप है कि एक अच्छे टीचर से पढ़, आप अगर पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर कर लोगे तो आप एटलीस्ट ये है कि भाई आप 100 मार्क्स का तो इजिली कर लोगे, 40 to 50 क्वेश्चन आपके इजिली हो जाते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरे भी हो जाते थे इतने मार्क्स, ठीक है, मतलब 120 130 तक मेरे मैक्सिमम आए हुए हैं मैथ में। तो यार ऐसे आप मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी यार इसके बारे में फाइनल बात कर लेते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैथ्स के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको एकदम 75 ही करने हैं, तो यार ट्रिग्नोमेट्री कर सकता है वो, प्रोबेबिलिटी, स्टेट्स, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट्स एंड रिलेशन, एंड कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स जैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अगर इतना सब कर लोगे तो आपके 40 से 50 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। अब ये है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस कितनी करी है आपने और उस हिसाब से होगा, बिकॉज इस मैथ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यार 2D और 3D मेरा इतना अच्छा था नहीं, तो ये है कि 2D और 3D भी जो कर रहा है वो जरूर करो, 2D और 3D जिसको आता है, क्योंकि यार सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं कई वेक्टर वगैरह से, तो वो सब कर सकते हो। बट उसको जिसको इतना नहीं समझ आ रहा है तो स्किप भी मार सकते हैं, क्योंकि इतने चैप्टर आपके पास अलग से हैं। तो मेन 13 से 15 चैप्टर हैं अच्छे अच्छे ये ट्रिग्नोमेट्री एक दो चैप्टर कर लेने, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सेट्स एंड रिलेशन हो गया, ठीक है, कैलकुलस के कुछ 2-3 चैप्टर तो इजी आते ही हैं। वो सब कर लोगे, आपको प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करनी है जरूर, प्लस में किसी एक टीचर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार मैथ्स का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। 75 जो कहते हैं 75 हमारे बन जाए कैसे भी, तो यार ऐसे कोई शॉर्टकट तो होगा नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वहीं से मैथ्स क्लियर होगा, ठीक है। सो यार आप रिटन के साथ साथ SSB के लिए क्या कर सकते हो, मेनली तो 5BRCC है जो मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है। 5 is 5 point perception, B is brainstorming, R is role play, C is connectivity एंड others इसे क्यूरियोसिटी। इनकी एग्जाम्पल्स अभी दूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है, एक या रिसेंट सेकेंड या लास्ट वीडियो होगी, मैं अभी आई बटन में भी डाल देता हूँ, तो वो वीडियो देख लेना सबसे पहले, तो क्योंकि वो सब अगर आप करते रहोगे रोज 5BRCC अगर आप करते रहोगे तो आपको ये एक्रोनियम है एक, तो आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है, SSB के साथ साथ, मतलब रिटर्न के साथ साथ, तो इससे SSB की तैयारी बहुत सही हो जाएगी। इसके अलावा आप जो कर सकते हो वो है आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो जब भी टाइम मिले, जिससे आपका मतलब देखो पता है खुद का ओपिनियन फॉर्म करना है वहां पे, आपका ओपिनियन क्या है किसी भी स्टिमुलस जो भी देंगे, कोई भी GD टॉपिक दे रहे हैं, कुछ भी इमेज है, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, और वो न्यूज़पेपर वगैरह या फिर आप जैसे दृष्टि IAS की वीडियो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस कुछ आप देख रहे हो वीडियो वगैरह, जियोपॉलिटिक्स, तो खुद का ओपिनियन फॉर्म करना आना चाहिए। और लाइक अभी भी 90 डेज है आपके रिटर्न के, तब तक आपका ओपिनियन भी फॉर्म अच्छा हो जाएगा, ठीक है, अगर आप वो सब करोगे, 5BRCC करोगे प्लस न्यूज़पेपर पढ़ना है थोड़ा बहुत और वीडियोस वगैरह देख लिया करो, क्योंकि अभी मेनली रिटर्न पे फोकस करना है, बट साथ साथ SSB का सिर्फ 5BRCC एंड न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत, मतलब जब भी टाइम मिले, ये नहीं कि रोज पढ़ना है, जब भी टाइम मिले पढ़ लिया, एनालिसिस कर लिया, सोचो कि भाई खुद का ओपिनियन कैसे बनाना है, 2 बंदों में अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना जिससे आप कनेक्ट रह सकते हो। अभी हम SSB पे भी कोई मतलब कोर्स वगैरह लाने का सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलके फ्री में जो भी गाइडेंस हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं धीरे धीरे, और भी लाइक जो भी हमारे मोटिव्स हैं वो धीरे धीरे करेंगे यार, और वीडियोज आएंगी। और इस वीडियो को तो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। तो जल्दी जल्दी बता देता हूँ, मैथ्स के लिए आपको एक स्पेसिफिक टीचर से पढ़ना पड़ेगा और जो भी मैंने बताया वो, साइंस के लिए आप NCERT, ज्योग्राफी के लिए NCERT और प्रीवियस ईयर कुरान बाइबल सब कुछ यही है, प्रीवियस ईयर आपको जरूर करने, ठीक है। तो यार इतने में आपका हो जाएगा, SSB के लिए आप 5BRCC फॉलो करो और यार अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और इसी पे अपन अब खत्म करते हैं यार इस वीडियो को, तो ठीक है, और घिसाते रहो, मेहनत करनी है, अभी आपके पास 90 डेज हैं NDA के भी, इजिली क्लियर भी कर लोगे, एंड उसके बाद SSB के लिए हम बैठे ही हैं तो आपको मतलब हेल्प करने के लिए भी हैं। सो यार ओके, सी यू गाइस देन, ध्यान रखो और मेहनत करते रहो, घिसाते रहो। जय हिंद।